ए, वो गलियों में कोनों में छुपकर भागने वाला डरपोक नहीं है रे। हिम्मत से दोनों एक होने के लिए गांव के नजदीक मंदिर गए हैं। तुम जाकर उनका कन्यादान करते हो तो ठीक है, तेरी मर्जी, जा। ये क्या सर, आपने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी? अरे बाप रे, इन्फॉर्मेशन मैंने लीक किया? ए हरियप, कम ऑन, जल्दी करो, कम ऑन, चलो जल्दी, कम ऑन फास्ट। बस चलो। ये क्या सर, हम यहाँ क्यों रुके हैं? यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट तुम्हें पता चलेगा, आओ जल्दी। वहाँ वो मंदिर के पास इतना टेंशन होते हुए भी? हंसी आए तो हंसना है, गुस्सा आए तो मारना है, रोना आए तो रोना है, भूख लगे तो खाना है, बिरयानी खाना है, आओ। सर भी क्या क्या करते रहते। इस नौकर टपोरी का हाथ पकड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई? यही सिखाया तुझे? क्या ठाकुर, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी बेटी खुश लग रही है। ए, काट डालो इस हराम को। पागल हो गए हो क्या? मैंने काटने को कहा है, काटो इसे। हम सब लोग आपके एक इशारे पर जान दे देते हैं, हमको कोई बुद्धू समझे हो? तुम दोनों एक हो जाओगे, मारे जाएंगे हम। क्या ठाकुर, शीनू तो यहाँ अकेला मर्द है, लेकिन तुम्हारे पास तो सभी मर्द हैं। मेरे आदमियों को देखो, विश्वास तो ऐसा होना चाहिए। ए डाल दो रे। क्या रे, तुम लोगों को क्या हो गया? हम समझ गए। मतलब तुम लोग एक हो गए हो क्या रे? क्यों, तुम दोनों एक हो गए? क्यों, तुम दोनों एक हो सकते हो और हम लोग आपस में लड़कर मर जाएं? ए, उसकी बात पे यकीन मत करना, तुम लोग मेरे आदमी हो। नहीं, हम लेबर हैं, छोटी जात के। नहीं नहीं, तुम लोगों को तो मैंने अपना समझा है। अरे चुप रहो, तुम क्या अपना समझोगे हमें? अरे कमीनो, तुम लोगों को पैसे दिया, मटन बिरयानी खिलाई, चिकन बिरयानी खिलाई, साथ में बैठा के दारू तक पिलाया है तुम लोगों को। तो फिर हम पर कोई ऐसा नहीं किया? ए, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो क्या करोगे, मार डालोगे हमें? जरा मारो तो। अब अगर किसी को मारने की कोशिश की तो कोई चुप बैठने वाला नहीं है। इज्जत से हाथ नीचे रख ले, नहीं तो हमारा भी खून खौल जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। बाप रे, इतना सुनने के बाद भी अभी तक देख रहे हो जीजा? चलो भाग, चलो यहाँ से, चलो। चप्पल से मारूंगा। क्यों, अच्छी बात कही? मुंह बंद करो, तुम सभी की धमकियों से डर कर भाग जाऊंगा ऐसा समझ रहे हो क्या? ए, एक एक को उठा उठा कर काटूंगा। काट के दिखा, आदमी पर वार करने के लिए जिगर चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। दम है तो मेरे सीने पर वार करके दिखा, आ काट के दिखा डरपोक साला। इतने दिन तुम आते थे तो लोग डरते थे तुम्हें देखकर, नहीं रे तुम्हारे बाजू में चाकू लेकर चलने वाले हमें देखकर, तुम्हें झुक झुक कर सलाम करते थे तुम्हारा थोबड़ा देखकर नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत देखकर। माँ बाप से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा तुम्हें भगवान समझकर पागलों की तरह तुम्हारे पैरों के पास रहकर खून हम बहाते हैं, तुम क्या राज करोगे? किसी दिन हमारे बगैर घर से बाहर जाते हो? शहर जाओ तो हम चाहिए, खेत जाओ तो हम चाहिए, बाजार जाओ तो हम चाहिए, बकरी के पास जाओ तो हम चाहिए, और तो और, औरतों के साथ सोते वक्त भी दरवाजे के बाहर रखवाली हम करते हैं, तू तेरी जात पर, तेरी जिंदगी पर और तेरे अभिमान पर। तुम्हें आखिर घमंड किस बात का है? तुम्हें मरने से बचाते हम लोग, बीच में जाती है जान हमारी। इतने दिनों से उसकी जान लेने के लिए तुम और तुम्हारी लाश देखने के लिए वो कसम पे कसम खा रहे थे, अब बताओ कि कितने बड़े मर्द हो तुम लोग। तुम तो कहते थे ये हमारा दुश्मन है, अब जब ये तुम्हारे सामने खड़ा है तो मारते क्यों नहीं हो इसे? क्यों उससे हाथ मिला रहे हो? मारो उसे, मारते क्यों नहीं हो तुम? हमने तुम्हारे लिए कितनी
कुर्बानियां की हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया, अब मारते क्यों नहीं हो? मारो मारो बात, इसे कहते हैं गुस्सा। खत्म कर दो नायडू को। क्यों नायडू, ठाकुर के ऊपर तुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता? एक औरत होकर मेरा खून खोल रहा है और मर्द होकर तू खड़ा खड़ा देख रहा है? जा, जाकर मार डाल उसे, टुकड़े टुकड़े कर दे उसके। शाबाश, बता दो आज की नायडू कौन है, मार डालो ठाकुर को। जाओ जाओ मैदान में जाओ। क्यों रे सर, लोग हमेशा कहते हैं कि पुलिस लेट आती है, देखा ना लेट आने पे कितना अच्छा काम हो गया। आधा घंटा पहले आए होते तो इन दुष्टों की सजा रोकनी पड़ती, और ये लोग अगर कुछ और साल जीते और कितने लोगों की बलि लेते पता नहीं, इसलिए आधा घंटा बिरयानी ब्रेक। गुड, शांति के लिए प्रशांत के लिए आज महायज्ञ हुआ है, यज्ञ में गिरकर ये लोग राख हो गए, ये लोगों का किया हुआ यज्ञ है। मुझे यहाँ कोई काम है क्या? कोई काम नहीं सर। फिर यहाँ क्यों है, चल जाके सोते हैं। चलो ओके सर। समी धनो कटिया बुके